सुनने तो हरियाणा के टकैत साहब का बयान आया साढ़े संयुक्त मोर्चे के बहुत ही सीनियर आगू आ सूझवान आ कि सानू आप नूं यकीन नहीं होंदा वी उन्होंने इहो जिहा बयान किवें दित्ता क्योंकि फसल असी पुत्तां नूं पालदा किसान कच्ची फसल नूं तां अग असी किसी भी हालत नहीं ला सकते क्योंकि जिहड़ियां फसलां असी मध वर्गी किसान आ साडा गुजारा ही फसलां दे उत्ते हुंदा जदों दिल्ली किसान गए हरियाणे च लाठी चार्ज भी हो पानी दी बिकाड़ा ही बजियां पर किसान ने तो उन्होंने का नुकसान नहीं किया अभी आप फसल का क्यों करा जोड़ा टकैत साहब का बयान है वह अंत भी खेती बिलों रद्द कराने किसानों वालों जरा धरना चलता अजय 142वें दिन के पंजाब से पहुँच चुके हैं। तो जो मैं गल करा दिल्ली के बॉर्डर की तो उत्थे जोड़े है अब 84वें दिन से धरना जरा है पहुँच चुका और सारे जगह धरने जोड़े है बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल चल रहे हैं। जे आप कल की गल करिए रेल रोको अंदोलन की तो रेल रोको अंदोलन जरा है वो भी बहुत ही शांतमई ढंग के नाल होया और कितने भी जगह कोई भी अच्छा भी घटना होने की खबर नहीं आएगी क्योंकि किसानों वालों शुरू तो ही जरा है ये गल कही गई थी कि जिते भी साडा धरना लगेगा उस जरा शांति ढंग जाना लगेगा। जे मैं मोगा की गल करा तो मोगा के टोल प्लाजा के उत्ते भी जरा यह धरना जरा है अजय चोरी वाले लगातार शांतमई ढंग के नाल चल रहा है। जे मैं आप कल की गल करिए कल जरा एक टकैत वालों बयान आया वो बयान बड़ा ही जरा हैरान करने वाला बयान दिता उन्होंने कि जेकर सरकार किसानों के धरनों खड़ारती हैगी है या उन्होंने फेल करने की कोशिश करती हैगी है तो किसान अपने घर जाके जरा है अपनी कणक की जी है फसल जी कि बिल्कुल कट्ट की तैयारी के उत्ती है वो अग ला देंगे। जे गल करिए पिछले दिनों के जिन्हें भी धरना प्रदर्शन हुए ने उन्होंने जे गल करिए आलूआं की फसल तो झोने की फसल जी आई थी जिड़ी कि किसानों ने लगातार कट के मंडिया बेची और अपना जो समर्थन मुल जरा है वह भी लिता हूँ क्यों किसान जरा है अपनी कणक को अग लावेगा जदों की किसान जरा है अपनी फसल को कुत्ता वाग पालता। टकैत ने जरा बयान दिता मेरे नाल कुछ मोगा के किसान है गल करता ने उन्होंने नाल उन्होंने पूछते हैं कि जी कल टकैत की स्टेटमेंट आई है वो कि लेंगे ने कि वो अपनी फसल को फड़न के जेकर उन्होंने कर फिर होता तो हाँ जी जे टकैत का एक बयान आया कल हरियाणा के उन्होंने दिता उन्होंने कहना है कि जेकर सरकार वालों साडा संघर्ष फील किया जाता तो असं आपकी फसल को अग लावे। सब तो पहली गल तो यह है जी सरकार संघर्ष साडा किसानों का किसी भी हालत में फेल नहीं कर सकती क्योंकि जोड़ा पिछले लंबे समय तो अभी संघर्ष बिढ़िया होया सा वो बहुत ही शांतमई जाबते के रह के चल रहा। बाकी जो पूनिया तो हरियाणा के टकैत साहब का बयान आया साढ़े संयुक्त मोर्चे के बहुत ही सीनियर आगू आ सूझवान आ ये सानू आप नूं यकीन नहीं होंदा वी उन्होंने इहो जिहा बयान किवें दित्ता क्योंकि जिहड़ियां फसलां असी मध वर्गी किसान आ साडा गुजारा ही फसलों के उत्ते हुंदा असी अपनियां पक्कियां फसलों नूं अग क्यों लावांगे साडे कोले होर है भी की वरतन नूं ते खाण वास्ते जिहड़ियां फसलां जिवें पहलां भी जदों धरने शुरू होए आ असी उदों भी खेती वड्डी आ झोने की वो भी मंडियां दे विच वेची आ उदों भी धरने साडे जारी सी उवें ही वड्डे कट हुंदे सी हुण भी जिहड़ा दिल्ली दे विच कट आ जां साडे पंजाब दे विच धरने लगदे आ उत्थे कट उसे तरह ही रहणगे पूरे वड्डे कट रहणगे फसलों की कटाई भी करांगे किसानां दे नाल मजदूर वर्ग साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ा जे किसान उत्ते बैठा होगा दिल्ली बार्डर ते तां फसलों की कटाई मजदूर वर्ग करूगा उन्हूं मंडियां दे विच वेचांगे मंडियां दे विचों असीं जो भी साडी उहदी बचत होगी लैण नूं उहदे नाल ही असीं खर्चियां दे नाल ही साडा संघर्ष भी फेर ही चलना उहदे वास्ते पैसे की जरूरत भी है बल की जरूरत भी है हर चीज़ की लोड़ आ संघर्ष वास्ते। सो मैं तां इही कहूँगा वी टकैत साहब दा बयान आ जो ये इन गलों के नहीं मायने नहीं रखता कुछ क्योंकि फसल असी पुत्तां नूं पालदा किसान कच्ची फसल नूं तां अग असी किसी भी हालत नहीं ला सकते। सो मैं चाहुंदा भी इहो जे बयान ना दिते आ पुत्तां वर्गी पाली हुई फसल नूं कोई भी जिहड़ा है अग नहीं लाऊगा उन्होंने जी अपना विचार आ टकैत दा साडा जिंदगी दा कोई विचार नहीं है वो टकैत दा विचार आउंदा जी किवें करदे हो की इहो जे बयान देने चाहीदे आ जी ਇਹਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਰਕ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਸਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਆਪਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ पर किसानों ने तो उन्होंने का नुकसान नहीं किया असी आपकी फसल का क्यों करा साडा इंतजाम किया फसल साड़ी कटनी है
कटांगे उवें ही करांगे जिवें झोना कीता है। इस गल जिहड़ा ककैल साहब का बयान है वह अंडवीज संयुक्त मोर्चे का बयान नहीं गा, ये कोई पॉलिसी नहीं किसानों की। ककैल साहब का जोड़ा बयान है उन्होंने इंडिविजुअल बयान है, किसी भी तरह का जथेबंदी का जो बयान नहीं है, और इन्हों का यह कहना है कि जी अभी कणक की फसल बीजी है और कुत्ता उन्होंने पाली हैगी है, भावें संघर्ष के असं जाते रहे हैं, पर पहला जो है चौकसी फसल की जी है वो भी बीजी थी तो वो भी कटी और इस तरह जोड़े है हम कणक की जी फसल हैगी है यी कटा क्योंकि कणक जी है ये सारे देश के जानी है और यही जरा है सारे देश का ढिड भरती है, क्यों असी अपने कुत्ता को पाली हुई फसल जी हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।